देशात ओबीसीची लोकसंख्या 62% असून देखील लोकसभा आणि विधानसभेत या संख्येप्रमाणात उमेदवार निवडून येत नाहीत. यापुढे राज्याचा आगामी मुख्यमंत्री ओबीसी समाजामधून होणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे शब्बीर अन्सारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे. देखिए वजीर आजम को हमारी जरूरत ही नहीं है, वो खुद ऑलरेडी आज वजीर आजम बना हुआ है और वो बिलोंग करता है उसलिए, तो आज उसको हमारी जरूरत नहीं है. हम तो ऐसे लोगों को जो वंचित है ओबीसी जो आज सत्ता में नहीं जा रहे हैं उनको भेजने की कोशिश करें. देखिए ये गठजोड़ कभी भी होने वाला नहीं है, होगा. दोनों भी बहुत शुरू है, दोनों भी बड़े पक्के पॉलिटिशियंस हैं. अब डराने के लिए इनको कहीं ना कहीं जाना है इधर उधर, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डरा के इधर उधर कुछ ना कुछ ज़्यादा अपना कुछ हासिल कर लें, इसके सिवा और कुछ नहीं. क्या इससे सेकुलर तरसीम बिल्कुल नहीं होने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक जगह जाके बैठ जाएंगे.